हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताना। एंड काफ़ी टाइम हो गया मेरा संडे व्लॉग नहीं आया, क्योंकि पता ही आपको कुछ कारण थे। एंड मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी काफ़ी टाइम से। मुझे सर्वाइकल टाइप कुछ हुआ था, पता नहीं उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जिसमें आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करते हो। लाइक काम तो सभी करते हैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, बट जो मेरे नर्व्स है, जो मेरे बाजू है, उसमें ज़्यादा जोर नहीं है। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, उसमें खिंचाव आता है। उससे क्या है कि आपको पेन होने लग जाते हैं, फिर वॉमिटिंग होती है जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो आप भी अगर इस तरह के काम करते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट करते हो आपको, तो मत कीजिएगा। अपना ख्याल भी रखिए, क्योंकि आपकी बॉडी कब आपको जवाब दे जाए आपको पता नहीं चलेगा। तो एनी हाउ, आज का व्लॉग है मेरा संडे वाला व्लॉग। संडे तो नहीं, आज सेकंड सैटरडे है, छुट्टी है। एंड काफ़ी टाइम बाद मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जो लास्ट व्लॉग लगाया था मैंने, वो तब बनाया था जब मैं बीमार थी, बट मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करते हैं, तो इसीलिए मैंने वो व्लॉग शूट कर लिया था जैसे तैसे करके। हालांकि मुझे कहीं कमियां भी लगी उसमें, आपने भी देखा हो ना। तो आज का जो मेरा व्लॉग होगा वो छुट्टी वाला व्लॉग होगा, इसको संडे व्लॉग लेके चलूंगी मैं। आज वैसे सैटरडे है, तो देखते हैं इन दो दिनों में क्या होगा। सबसे पहले आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो क्या कंडीशन है और उसके बाद वो कैसा हो। चलिए शुरू करते हैं बाहर वाले एरिया से, कितना गंदा हो गया है। क्योंकि कीचड़ था तो सारी मिट्टी अंदर आ जाती थी, फिर ये बाहर वाला रूम है। यहाँ पे मैंने वैसे अभी उठाया है सारा सामान, क्योंकि सफाई शुरू कर ली थी। एंड ये मेरी किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे हस्बैंड खाना वाना बना लेते थे पर सफाई नहीं करते थे, थोड़ा बहुत कभी कभी मैं झाड़ू कर लेती थी। एंड ये है बेडरूम, एंड उसके बाद है ये बाहर कॉरिडोर, एंड उसके बाद आया हमारा किचन। तो बहुत ज़्यादा मैसी है। बैक, अभी मेरा एक ही कमरा हुआ है, वो है मेरा पंठंग। एंड एक घंटा भी हो गया है, बहुत ज़्यादा सफाई करने को थी, तो मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा देती हूँ। एंड अभी टाइम हो रहा है 12, क्योंकि 11 कर बजे से, 11:15 से शुरू किया था मैंने। तो चलिए पहले आपको दिखाती हूँ मेरा पंठंग कैसा बन गया। देखिए ये है मेरे पंठंग का लुक। हो गया मेरा बेडरूम भी क्लीन, एंड कॉरिडोर वाला इतना किया नहीं है। एंड ये मेरा ड्राइंग रूम, और आपको दिखाती हूँ बाहर। बाहर भी देखिए हो गया क्लीन, एंड स्नोफॉल भी हो रही है। वाओ, ब्यूटीफुल, देखने में तो इतना सुंदर लगता है स्नोफॉल, बट जब ठंड लगती है ना, कसम से। और ये यहाँ देखो मेरे बुखारी से धुआं निकलते हुए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ मेरे पिछले वाले व्लॉग को। पिछले कल तो सिर्फ मैंने डस्टिंग और सेटिंग ही की, झाड़ू झूड़ू भी किया, बट पोछा और कपड़े रह गए थे, तो वो आज हमारे हो गए। दिन भर लग गए, फिर उसका लंच वंच ये सब करना। एंड अभी मुझे फिर से भूख लग गई, शाम का टाइम है, मेरे से चाय पीने का तो मन नहीं है। तो मैं बना रही हूँ दूध का हलवा, आपको दिखाती हूँ कैसे बनता है। बनाने के लिए लगता है घी, जैसे आपके बेसिक हलवे में लगता है, सूजी, शक्कर, आप चीनी भी डाल सकते हो, बट मैं चीनी यूज़ नहीं करती हूँ। एंड उसके बाद इसमें है थोड़े से पीसे हुए इलायची पाउडर, एंड इसके नीचे है बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें सीड्स भी है। आप चाहे तो अपने घर के खेत के कद्दू के सीड्स भी डाल सकते हो, अदरवाइज आजकल ब्रेकफास्ट मिक्स मिल जाता है बाजार में। थोड़ी सी मखाने, बादाम एंड कैश्यू है, थोड़ी सी रेजिन भी है। एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट लगता है अलग, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कढ़ाई मैंने गर्म करने को रख दी थी, अब मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, एंड उसको मेल्ट होने देती हूँ। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें सूजी, और उसको अच्छे तरीके से भून लूंगी, जैसा कि बेसिक हलवे में होता है। सूजी अब भुन चुका है, एंड इसमें अब बारी आती है मेन इंग्रेडिएंट डालने की। मेन इंग्रेडिएंट कुछ नहीं है, उसमें आप पानी की जगह पे दूध डालते हो, एंड ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, हेल्दी लगता है। इसमें मैंने दूध डाल दिया, एंड उसको अच्छे से
मिक्स करूंगी, साथ ही मैं डाल दूंगी बाकी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैंने डाला इलायची पाउडर, उसको अच्छे से मिक्स किया एंड उसके बाद डाला शक्कर, क्योंकि चीनी तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, एंड उसको अच्छे से मिक्स किया ताकि गाढ़ा हो जाए, एंड साथ में डाले ड्राई फ्रूट्स। हो गया मेरा हलवा रेडी, देखते हैं कैसा बना है, आपको खा के बताती हूँ। बहुत यम है और दूसरी बात हेल्दी भी है, एंड अगर शाम को आप इजी सा ऑप्शन चाहते हो शाम के स्नैक्स के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बस सिंपल है, जैसा हलवा बनता है वैसा ही बनाना है, एंड पानी की जगह पे आपको दूध डालना है। ये हो गया मेरा स्नैक्स टाइम, एंड होपफुली आपको मेरे ये हलवे का रेसिपी अच्छा लगा होना। अब मैंने सोचा कि शॉपिंग बहुत हो गई थी मेरी हॉलीडे टाइम्स में, तो क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए, ज़्यादा नहीं कुछ कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सूप से। ये देखिए सिंपल सा सूट है, इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है, ये देखिए। और इसमें ये जो कट वर्क है, इसका जो ये हैंड वर्क है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड साथ में आप देख सकते हो इसके दुपट्टे का वर्क, मुझे ना मतलब इसका दुपट्टा ही बहुत अच्छा लगा, एंड इसके दुपट्टे की वजह से मैंने ये सूट लिया है। उसके बाद दूसरा है ये सूट, ये सूट भी मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि मुझे इसका ये बॉर्डर अच्छा लगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा है, और इसमें जो ये कढ़ाई है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी कपड़े की क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड इसका दुपट्टा है सिंपल प्रिंटेड दुपट्टा है, देखिए ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। एंड उसके बाद लास्ट और एक और सूट लिया मैंने, वो है ये इसका प्लाजो है जो वेलवेट में है, एंड अच्छा वेलवेट है इसका, एंड इसका जो कुर्ता है वो है इस तरीके का, एंड वेलवेट सूट तो आपने देखा हो ना, ये है वेलवेट वर्क वाला सूट, जॉर्जेट है, जॉर्जेट ही बोलते हैं इसको, इसका बेस जॉर्जेट है, एंड देखिए इसमें वेलवेट का वर्क किया हुआ है, बहुत पसंद आया था मुझे ये। एंड ये वाला सूट मैंने लिया था पटियाला से, एंड ये दो लिए मैंने नीलोखेड़ी से, और वहाँ पे ना बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको सूट्स मिल जाएंगे और क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका प्राइस मैं आपको नहीं बताऊंगी, अगर आपको जानना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी नहीं जानते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ में आपको यहाँ स्क्रीन में भी डाल दूंगी, आपने मुझसे वहाँ इसकी क्वेरी कर लेनी। उसके बाद जो दो और चीज़ें ली है मैंने, वो लिए थी जूतियाँ, आपने मेरे पटियाला वाले व्लॉग में देखा होना। अगर आपने मेरा पटियाला वाला व्लॉग नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगी, एंड अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या लिया था। सबसे पहले मैंने बेसिक जूती ली थी, ये है लेदर का था आई गेस, हाँ आई गेस लेदर का है ये, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल थे, वहाँ आपने मेरे को ट्राई करते हुए भी देखा होना, ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये पंजाबी जूती टाइप ही समझ लो उसको, ये म्यूल्स जैसे हैं, ये आपने मेरे को किसी शॉर्ट्स में भी देखा होना, और जब मेरी फ्रेंड की शादी गई थी मैं उसमें भी मैंने ये पहना था, बहुत ही खूबसूरत है ये, मतलब पहनने में भी आपको कंफर्टेबल है एंड सुंदर भी, देखो कितने लग रहे हैं। तो अपने इस व्लॉग को मैं यहीं क्लोज करती हूँ, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।